नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि, और हमारे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत के हर गली कोनों में आपको कई दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इतनी ज्यादा दुकानें होने की वजह से कई बार कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ जाता है, और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं रहती है। कुछ मामलों में ग्राहक दुकानों पर आते तो हैं, लेकिन कोई सामान नहीं खरीदते, बस घूम फिर के चले जाते हैं। इस समस्या के पीछे आपके ऊपर बुरे ग्रहों की कृपा हो सकती है। हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाए और उसकी जेब में खूब सारा पैसा आए। लेकिन अगर आपका ये सपना अभी तक सपना ही है, तो चलिए अब इसे हकीकत में बदलते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कारगर उपाय बताएंगे जिन्हें करने के बाद आपकी दुकान की बिक्री बढ़ जाएगी और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। कहते हैं कि कारोबार करना हर किसी के बस की बात नहीं, व्यापार छोटा हो या फिर बड़ा, हर कोई व्यापारी के गुण नहीं रखता। तो सबसे पहले गुरुदेव से हम जानेंगे कि कारोबार किसी को कैसे फलेगा या नहीं, इसके पीछे क्या कोई ज्योतिषीय कारण होता है। गुरुदेव बेटा, हर चीज के पीछे ज्योतिषीय कारण होता है। जब कुछ अच्छा होता है तो भी ज्योतिषीय कारण के कारण ही होता है, कुछ बुरा होता है तो भी ज्योतिष का ही कारण होता है। अब तुम देखती हो कि कई लोग बहुत कड़वे होते हैं, कई लोग बहुत मीठे होते हैं, कई अनजान को भी अपना बना लेते हैं और कई अपनों को भी खो देते हैं। ये अपनी बोलबानी, अपनी सोच के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारी बोलबानी और हमारी सोच हमारी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार ही बनती है, कोई और चीज़ नहीं होती। अब दुकानदारी किसी भी प्रकार की हो, शोरूम किसी भी प्रकार का हो, बेटा ये मीठी बोली से चलता है। होंगे आए हुए ग्राहकों की बात अलग है, उसके लिए अलग होगा, लेकिन मीठी बोली के कारण चलता है। और मीठी बोली का स्थान वास्तु के अनुसार अगर हम देखें तो वो जन्म कुंडली का अंदर दूसरा घर होता है, और दूसरा घर यानी कि उत्तर पश्चिम होता है। तो जिस दुकानदारी के अंदर या जिस शोरूम के अंदर उत्तर पश्चिम को वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वहाँ पर जो खराब सामान है जो आज नहीं बिकने हैं और बेकार हैं, या हमने पक्षियों को डालने, पशुओं को डालने या कबाड़ी को बेचना है, अगर वो वाले सामान अगर आप दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, उत्तर पश्चिम के अंदर रखते हैं तो आपकी सेल वहीं से गिरनी शुरू होती है। और कुदरती तौर पर आपके पास से मुँह से शब्द, चाहे आप बोल रहे हैं या आपके सेल्समैन, उनके मुँह से शब्द ही ऐसे निकलने हैं जो आपकी ख्याति को बढ़ाने की बजाय गिराने का काम करेंगे। और अगर दूसरों की नज़र में अपनी ख्याति गिर रही हो तो वो ग्राहक दोबारा हमारी दुकान पे, शोरूम में नहीं चल रहा है। तो इसका हमें खास ख्याल रखना है कि उत्तर पश्चिम के अंदर खास तौर पे जो बहुत ही खास चीज़ें बिकने वाली हैं उनको रखो, स्टोर रूम ना हो। हाँ, स्टोर रूम ना, सजा के रखो, बहुत अच्छा बना के रखो, और ग्राहक की नज़र उसके ऊपर पड़े, अपने काउंटर की डायरेक्शन इस तरह की रखो कि उत्तर पश्चिम के अंदर रखे हुए सामान के ऊपर ज़्यादा नजर जाए। अब उसके बाद में दक्षिण पश्चिम के अंदर सुगंधित आइटमें जो खुशबू देती हैं अगर वो रखते हैं, अगर आपका शोरूम भी है तो हो सकता है सुगंधित वस्तुओं का ना हो, तो वहाँ पर आप अगर कोई खुशबू वाली चीज़ रखते हैं और वहाँ से उठी हुई खुशबू पूरे शोरूम के अंदर अगर घूमती है तो ये आपके सौभाग्य को इतना ज़्यादा बढ़ाएगी कि आपके पास ग्राहकी स्वयं चल के भी आएगी और जो आएगा वो खरीद के ही जाएगा। ये सबसे उत्तम है। और एक बात और, शनि अगर पॉजिटिव हो जन्म कुंडली के अंदर तो वो सुखों का देवता होता है। दुकानदारी शुक्र और शनि के साथ ही देखी जाती है, तो इसीलिए अपने शोरूम या अपने दुकान पे आने से पहले अगर आप कुछ भी कौओं को खिला के आते हैं तो ऐसी अवस्था में उस दिन का गल्ला आप भर के उठाते हैं। तो इसीलिए कौओं को खिलाइए, उत्तर पश्चिम को अच्छा कीजिए और दक्षिण पश्चिम को सुगंधित करिए, देखिए आपकी दुकानदारी बहुत ही अच्छी चलती है। तो गुरुदेव, सबसे पहले जान लेते हैं तीन राशियों का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? सबसे पहले आज मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है,
इसके अंदर या तो कोई दुर्घटना या छोटा मोटा शारीरिक कष्ट बनने के हालात हैं। जिस चीज़ पे भी आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने वाले हो उसके अंदर निराशाजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आज आपके साथ में ना घटित हो तो सुबह के वक्त में चावल या पोहा कुछ भी आप ये थोड़ा सा खा करके जाएं। अगर चांदी की डिब्बी घर में रखी है तो बहुत अच्छी, उसमें चावल भर के जेब में रखें, नहीं तो सफ़ेद सूती कपड़े के अंदर थोड़े से चावल बांध के आज के दिन अपनी जेब में ज़रूर रखें, आपका दिन शुभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन वाकई में बहुत उत्तम है। आज जिस चीज़ के ऊपर भी आप मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल, उसका रिजल्ट आपको पूरा पॉजिटिवली नज़र आएगा। और जिस चीज़ का आप प्लान बनाएंगे वो प्लान भविष्य में आपको ज़रूर लाभ दे करके जाएगा। और अगर कोई बिगड़े हुए रिश्तों को, चाहे वो व्यापारिक हो या पर्सनल हो, उनको संवारने की अगर आज आप कोशिश करने वाले हैं तो इसमें भी आपका जोश पूरी तरह से आपका साथ देगा। और इस जोश को और बढ़ाने के लिए एक कपूर की टिक्की सफ़ेद रेशमी कपड़े के अंदर बांध के अपनी जेब में रख के जाएंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करके आपके कार्यों के अंदर ज़्यादा सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जिस चीज़ के लिए भी आज प्रयोग करना चाहते हैं या पास के अंदर रुके हुए कामों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आज आपकी विल पावर हर तरह से आपका साथ देने वाली है। और इसके अंदर अगर इन सब चीज़ों से हटके आप अगर फैमिली के साथ डिस्कस करके कोई भी मनभेद या मतभेद ये मिटाना चाहते हैं तो आज की ऊर्जा इसमें आपका पूर्णतः साथ देने वाली है। तो इसीलिए सुबह के वक्त में थोड़ी सी खोए की मिठाई लेकर के बच्चों में बांटाइए और देखिए आपकी ये विल किस तरह से काम करेगी और जो मैंने हिस्से कहे हैं इसके अंदर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, कई बार ऐसा भी होता है कि दुकान में कस्टमर आते तो हैं लेकिन ग्राहक वापस बिना कुछ खरीदे हुए वापस चले जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे का जो कारण है, आपकी दुकान के अंदर दक्षिण पूर्व यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर, जो वो ग्राहक खरीदने आया है वो सामान अगर आपका दक्षिण पूर्व के अंदर रखा हुआ है, समझेंगे ना, या आपका काउंटर ही अगर दक्षिण पूर्व में है कैश वाला, तो ऐसे में दुकान के अंदर ग्राहक आएगा लेकिन बिना कुछ खरीदे चला जाएगा। तो आपको सिंपल तौर पे दक्षिण पूर्व से अपना काउंटर शिफ्ट करना है, आप कहीं भी रख सकते हैं बाकी, लेकिन दक्षिण पूर्व में और प्रॉपर दक्षिण में ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जितना भी सामान आपको सेल करना है, ज़्यादातर शोरूम में क्या होता है, एक हिस्से को डेकोरेट करते हैं, वहाँ पर अपना सामान रखते हैं, दूसरे हिस्से को थोड़ा खाली रखते हैं, तो आप उत्तर और पश्चिम इससे संबंधित जो वॉल्स आ रही हैं वहाँ पर अपना डिस्प्ले किया हुआ अगर आप सामान रखते हैं तो आपका सामान बहुत जल्दी और तेज़ी से रखेगा, ठीक है। और अगर वो दक्षिण में प्रॉपर और दक्षिण पूर्व के अंदर आप रखते हैं तो आया हुआ ग्राहक बिना कुछ लिए ही चला जाएगा। इतना आसान है, कोई उपाय भी नहीं करना। और अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। गुरुदेव, तो बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन वाकई में बहुत सुखकारी रहेगा। कारण ये है कि मन अगर तृप्त हो जाए ना तो किसी और तृप्ति की फिर जरूरत ही नहीं रहती। तो आज आपके हाथ से नेक कार्य होंगे, कोई भी सामाजिक कार्य हो सकता है, कोई भी अपनों के लिए हो सकता है, अपने काम वालों के लिए हो सकता है, अपने दोस्तों के लिए हो सकता है, तो ये नेक कार्य करके आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और जिस चक्कर में घर वाले भी आज आपसे फ़ायदा उठाएंगे तो उठाने दीजिए, अच्छा लगेगा, आपके मन को और खुशी प्राप्त होगी। और आज के दिन आपका कोई काम खराब हो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति ज़रूर होगी। और ख़ास तौर पे इसी ऊर्जा को और बनाए रखने के लिए चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद भर के और एल्फी वगैरह से चिपका लीजिए, बहुत काम आएगी, इसे अपनी जेब में रख करके जाइए, देखिए हर तरह से आपकी किस्मत आपके साथ होगी। सिंह राशि,
सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिन आज का बुरा है। आपके अपने ही लोग आपकी खिलाफत आज कर सकते हैं। आपके मन के अंदर तरह तरह की शंकाएं उनके लिए बनेंगी और ये जो काल्पनिक वहम आप पाल लेंगे कि आपका बुरा ही होगा, ये आपको बीमार भी कर सकता है। तो इसीलिए ये एक ही तो दिन है, तो अपने आप को कूल करिए। एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं बिखरता, तो इसीलिए आज के दिन सुबह सवेरे अभी नहा धो करके आप मंदिर जा कर के माथा टेकें और परमात्मा को बोल के आए कि आज जो भी कुछ कोई मेरे खिलाफ़ बोलने वाला है या मेरे खिलाफ़ कुछ करने वाला है, मैं उन सबको माफ़ करूंगा और आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। इस तरह से करके देखिए, आज का दिन आपका बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, आपने देखा होगा कि नकारात्मक सोच रखने वाले बच्चे से माँ बाप कितने परेशान होते हैं। कहीं ऐसा ना हो आज आप वही नकारात्मक सोच रखने वाले इंसान बन जाए। अगर ये हुआ तो आसपास का माहौल आपको अच्छी तरह से अटेंड नहीं करेगा और आपके खिलाफ चलेगा और वो चीज़ आपके लिए घातक सिद्ध होगी। और ऐसी अवस्था में आप कहेंगे कि ये जो आसपास के लोग आज की डेट में आपके आसपास मिल रहे हैं आपको, ये सब आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आपके अपने ही स्वभाव के अंदर कुछ कमियाँ आ रही हैं। इसको ठीक करने के लिए अभी नहा धो करके थोड़े से फूल लें, खास तौर पे पीले रंग के, ये लेकर के जाए और भोलेनाथ पे अर्पण करके एक ही उनसे वादा करके आए कि आज मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचूंगा। तो ये करने से आपको बल मिलेगा और सबके लिए पॉजिटिव सोच रख के आज का दिन आप अपने लिए बहुत ही शुभ कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई आप स्टोर ओपन कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, तो वास्तु का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम सेल की बात कर रही हो या ग्राहकी की बात कर रही हो, दुकानदारी की या बिजनेस की बात करोगे, तो उसके अंदर उपायों से ज़्यादा वास्तु काउंट होगा। और अगला सवाल भी हमारा यही है कि वास्तु किस हद तक कारोबारी नुकसान के पीछे की वजह हो सकता है, इसके बारे में गुरुदेव दर्शकों को बताइए। बेटा, वास्तु कारोबारी हालात के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और इसमें जरा सी चूक हमारे लिए बहुत घातक हो जाती है। एक कहावत है, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। ये कब होता है? जब कुदरती तौर पे इंसान जो जगह सिलेक्ट करता है बिना वास्तु वाले को दिखाए और वो कुदरती तौर पे शुभ वाली सिलेक्ट हो जाती है, तो आदमी कहता है हमें तो इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं है, हमारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। चलना ही है, वो कुदरती तौर पे वहाँ पर वो अच्छा उसका रख रखाव हो गया। लेकिन जब किसी का चलता नहीं ना मानने वाले को भी मानना पड़ता है और वो फिर रास्ता तलाश करता है। तो इसके लिए सबसे उत्तम क्या है, ये आज आप सबके लिए ही मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन थोड़े से असूलों को अपनाया तो आपके लिए बहुत 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 शुभ होगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिम को बहुत अच्छा करें, सुंदर सुंदर चीज़ें जो रेगुलर बिकने वाली चीज़ें उनको अच्छा करें। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में बहुत ही सजावट वाली और खुशबू वाली चीज़ें रखें, ठीक है। उत्तर दिशा के अंदर, प्रॉपर उत्तर के अंदर बिल्कुल भी आपकी दुकान के अंदर का मंदिर उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उत्तर में नहीं होना चाहिए। वो या तो उत्तर पूर्व में हो या उत्तर पश्चिम में हो, प्रॉपर उत्तर के अंदर अगर आपने मंदिर बना दिया और वहाँ आप धूप बत्ती ज्योत बत्ती करते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर वो आने वाले ग्राहक को जिस तरह से अटेंड करना चाहिए या ग्राहक जिस तरह से चल के आने चाहिए और आपके दुकान की शोरूम की छवि जिस तरह की उस ग्राहक के मन में बैठनी चाहिए, उसको वो ख़त्म कर देगा उत्तर के अंदर रखा हुआ मंदिर, तो वो नहीं होना चाहिए। दक्षिण पूर्व के अंदर आपका पेमेंट काउंटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आ जाती है बहुत ही खास वास्तु की किस तरह से हम टैकल करें, तो वो क्या है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और दसवां घर यानी कि पश्चिमी दीवार। पश्चिमी दीवार एक ऐसी जगह है जहां पर जो कुछ भी आप किसी को भी खड़ा करेंगे उससे आदमी आकर के बहुत प्रभावित होगा, तो वहां अपना सबसे बेस्ट सेल्समैन खड़ा करें या आप स्वयं खड़े, ठीक है। और पश्चिम की दीवार
बिल्कुल जहां लगती है, पश्चिम की बिल्कुल दीवार के साथ लगता हुआ अगर आप पेमेंट काउंटर रखते हैं तो वो आपके लाभ की बढ़ोतरी करेगा। अगर आप अपने कारोबारी स्थान के ऊपर इतने का ही ख्याल रखते हैं, या हम इंडस्ट्री भी जोड़ दें अगर कहें तो, ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर अगर आपका कच्चा माल जो अभी तैयार होना है वो अगर आप दक्षिण की साइडों में रखें और तैयार माल आप उत्तर की तरफ रखें या उत्तर पश्चिम की तरफ रखें तो इधर माल बनेगा उधर निकल जाएगा, इधर माल बनेगा इधर निकल जाएगा, डंप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तैयार माल कहीं दक्षिण की साइड में रख दिया तो आप माल तो तैयार करेंगे लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपकी मशीनें भी खड़ी रह जाएंगी। अगर आप वास्तु का इतना सा ही ख्याल रख करके चलते हैं तो आपको अपनी किस्मत से जो भी शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी और काम धंधा बहुत अच्छा ज़ोर से चलेगा और जेब पूरी भरी रहेगी। तो दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं, उम्मीद है कि गुरुदेव ने उसका भी जवाब दे ही दिया है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए अगर दुकान की बिक्री बढ़ानी हो, कस्टमर आए सामान खरीद कर ही वापस जाए, इससे जुड़ा अगर एक दो उपाय रह गया हो गुरुदेव तो वो ज़रा बता दें दर्शकों को। इसके बाद बेटा यंत्र होते हैं और मंत्र होते हैं। ये यंत्र व्यापार के लिए भी होते हैं, स्पेशली कोई चीज़ बेचने के लिए भी होते हैं, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, वाणी को सिद्ध करने के लिए भी होते हैं, और इसी तरह से इनके मंत्र भी होते हैं। ये जो चीज़ है हमने आप सबके लिए फ्री में आपको दे रखी है लेकिन आपको पता नहीं है, और वो क्या है, आप अभी एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस बेशक डालें या ना डालें क्योंकि यहाँ मंत्रों की बात होने लगी है, स्किप करके निकल सकते हैं। तो वहाँ पर एक सेक्शन है हमारा, आप जाकर के देखेंगे नीचे मंत्र उपचार, उस मंत्र उपचार के अंदर सैकड़ों मंत्र हैं, आप उन्हें स्क्रॉल करते रहें, देखिए आपके काम का कौन सा है, आपको बिक्री बढ़ानी है, आपको ग्राहक लाने या वाणी को सिद्ध करना है, सिर्फ स्पेशली पैसे के लिए करना है, भगवान की कृपा पाने के लिए और लोगों की भीड़ लगाने के लिए करना है, हर तरह का मंत्र उपचार वहाँ पर दिया हुआ है जी। आप उस मंत्र उपचार को ऐप के अंदर ही ऑन कर दीजिए, वो 108 बार अपने आप चलेगा, तो उस मंत्र उपचार को करिए। और व्यापार यंत्र हो, शक्तिपीठ हो, इनको अपने कार्यस्थल के ऊपर आप एक बार स्थापित करके देखिए, आपकी सारी किस्मत से शिकायतें दूर हो जाएंगी और दुर्भाग्य नाम का जो शब्द है वो कभी आपके दिमाग में वापस नहीं आएगा। एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर मंत्र उपचार खोल के देखिए, वहीं से आप ये यंत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिस यंत्र और मंत्र की आपने बात की है अगर इससे दुकान में रखा जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी कारोबार पर। तो इस सवाल का जवाब भी उम्मीद है कि आप सबको मिल गया होगा। और अब आ रही है तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को ये जानने की कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। तुला राशि के आज जो बच्चे हैं उनके लिए ये शुभ नहीं है आज का दिन। आज के दिन कंसंट्रेट करने में, याद रखने में वो प्रॉब्लम बने हुए हैं, और इसके साथ ही जब आपका मन खुद ही पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा तो आप चिड़चिड़े होकर के अपने माता पिता भाई बहन के साथ में किसी तरह की तकरार भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और आज के दिन अगर कहीं आपने दूध को बहुत ज़्यादा काट के खोया बनाने की कोशिश करी, ये और अशुभ हो जाएगा। तो आज के दिन दूध उबल करके गैस में ना गिरने दें, उसके बाद आपको तकलीफ़ ज़्यादा है, आपके घर में ऐसा ना हो। और थोड़ा सा दूध लेकर के अगर आप मंदिर में छोड़ करके आते हैं तो आपको शांति प्रदान मिलेगी और साथ ही आप अपने आप को कंसंट्रेट करने में अपनी मदद स्वयं कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज घर और बाहर दोनों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर पे माता पिता के साथ में परेशानी ये बन सकती है, आपके पेट के अंदर गैस एसिडिटी कब्ज की ये दिक्कत बन सकती है, और कारोबार के अंदर किसी न किसी के साथ में हो सकता है कि आपके विचार ना मिले, जिसके कारण ये दिन आपका कारोबार के रूप में भी थोड़ा तनाव भरा हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज आपको सुबह के वक्त में थोड़ी सी सौंफ खा के घर से निकलना है और थोड़ा सा गुड़ लेकर के वो मंदिर में अर्पण करें या राह चलते किसी भी व्यक्ति को दान दे करके अपने काम पे जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सौंफ खाने से
पेट की समस्या भी दूर होगी, तो ज़रूर खा के निकलिएगा। धनुराशि, धनुराशि वाले अगर आज कोई चलते पानी के किनारे जाना चाहते हैं, समुंदर के पास जाना चाहते हैं या स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं, तो अगर आज के दिन में बचाव रखें तो आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि वहाँ से ये भी पॉसिबल है कि या तो कोई हादसा या कोई बीमारी आप अपने साथ लाएं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना करें, ओवर एक्साइटेड ना करें, कहीं ऐसा ना हो ओवर एक्साइटेड होकर के आपके पास से कोई गलती हो जाए, दुर्घटनाओं का भी चांस बन सकता है। और जोश के अंदर कारोबारियों के साथ में बात ना करें, अपने घर वालों के साथ में जोश से बात ना करें, धैर्य से आज का दिन अगर निकालेंगे तो इनमें से किसी के साथ तकरार नहीं होगी और आप खुशहाल रहेंगे। और आज के दिन सिर्फ परमात्मा पे आस्था बना करके रखना ही आपके दिन को शुभ बना देगा। तो परमात्मा पे आस्था बनाएं और कोई भी काम आज जोश से ना करें, तब आपके लिए उत्तम होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवाल हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं, खासकर के कारोबारियों की ओर से। और गुरुदेव, आप जरा ये बताइए कि अगर आज के दिन किसी शुभ काम के लिए हमें शुभ काम की शुरुआत करनी है और उसका कोई उपाय हो जिससे कि दर्शकों को 100% सफलता मिले, कामयाबी मिले, तो कौन सा वो लकी उपाय होगा जो आप हमारे दर्शकों को आज बताना चाहेंगे? जिंदगी के अंदर खास चीजें क्या होती है? सबसे पहली खास चीज़ होती है हमारा मन शांत रहे, दूसरा आपके पास हर सवाल का जवाब हो, और तीसरा सामने वाले को आप प्रभावित करके अपनी रेपुटेशन को खड़ा कर सके। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप जो भी काम करने लगे हैं या कोई भी चीज़ बेचने लगे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। तो इसके लिए करना क्या है, जब आप घर से निकलें तो सरसों का तेल सर पर बिल्कुल नहीं लगाना। उस वक्त में आपने अपने हो सके तो अपने माथे पर सिर्फ और सिर्फ देसी घी का एक हल्का सा तिलक लगा के उसको ऐसे रब कर लें अपने माथे पर, तो चंद्रमा की शक्ति जब यहाँ पर विराजमान होगी दिमाग को ठंडा करेगी और प्लानिंग की बुद्धि देगी। ये भी साइंस है। और इसके बाद में केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे अगर ये दोनों भवों के बीच में अगर आप लगाते हैं तो ये चंद्र और बृहस्पति की स्थापना मानी जाती है। चंद्र और बृहस्पति की स्थापना आपको ज्ञान देती है, प्रभावशाली शब्द बोलने की ताकत देती है, याद रखने की ताकत देती है और धैर्य की ताकत देती है कि सामने वाले की बात अगर बुरी भी लग रही है तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, पूरी बात को समझ के प्यार से मोल्ड करना है। तो ये दो ताकत देने वाले ये चंद्र और बृहस्पति हैं। तो केसर का तिलक हर रोज लगाइए और देसी घी की मालिश अपने माथे पे करके काम पे जाइए और सरसों का तेल बिल्कुल मत लगाइए। सरसों का तेल सर पे लगाने से कर्कश वाणी निकलती है और जो सामने वाले को नहीं पसंद आती, आपने चाहे लाख ज्ञान बोल रखा है। तो मैं भी हर रोज़ सुबह अपने माथे पर देसी घी की मालिश करता हूँ और आप सबको बहुत पसंद आता हूँ, ठीक है? तो आप भी देसी घी की मालिश करके केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगा के जाइए, देखिए किस तरह से आप एक कामयाब इंसान के रूप में स्थापित होंगे और हर कोई आपको मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करने चाहिए उन्हें उपाय? मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ज्यादा शुभता का दिन नहीं है। इसके अंदर आपका चिड़चिड़ा स्वभाव ही आज आपके हर काम को खराब कर सकता है। तो इसीलिए आपने ख्याल क्या रखना है कि आज के दिन उतावलापन पैदा करने वाले कपड़ों को धारण ना करें, जैसे जेड ब्लैक, नेवी ब्लू और जेड रेड कलर। ये तीन कलर ऐसे हैं जो उतावलेपन को, चिड़चिड़ेपन को और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज के दिन हल्के रंग के कपड़े, लाइट, अगर वाइट हो जाए, लाइट पिंक हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, वो धारण करें और अपने ऊपर काबू इस तरह से रखें कि जो भी जवाब आप किसी को देने वाले हैं बहुत ही सहमित होकर के जवाब देंगे और चिढ़ करके जवाब नहीं देंगे। ये वाली चीज़ आज आपके दिन को बहुत 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 शुभ करने वाली है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में आज जो नया कोई बिजनेस करने लगे हैं, किसी भी चीज़ के लिए नया प्लान करने लगे हैं, नया घर बनाना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी उसका डिसीज़न अगर आज आप लेने वाले हैं तो आज के दिन को त्याग दीजिए, क्योंकि आज ये जो आपकी प्लानिंग बनने वाली है ये आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी
और अगर कहीं इसके अंदर कोई आपको सलाह देता है तो उसकी सलाह से आप सहमत नहीं होंगे। आज का दिन इस प्रकार का है, तो इसीलिए अगर हो सके आज के दिन को शुभ करना हो और आज ही डिसीज़न लेकर के अगर कोई काम करना हो तो सुबह के वक्त में थोड़ा सा पहले मीठा लीजिए और बाहर 5-7 कन्याओं को प्रसाद के रूप में उनको दे करके आकर के अगर ये प्लानिंग करते हैं तब हो सकता है माता रानी आप पे कृपा करें और आपको सफलता प्रदान करें। मीन राशि वालों के लिए भी आज का जो दिन है वो धन और स्वास्थ्य इन दोनों की कमी लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनि क्या किया करते थे कि जो दिन शुभ ना हो या जिस वक्त में स्वास्थ्य शुभ ना हो वो मौन व्रत में चले जाया करते थे। तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता आज के ज़माने में आप मौन व्रत करें, लेकिन आज के दिन अगर आप कम से कम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, कम से कम बोलेंगे और कम से कम खराब खबर के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो आपके लिए यही एक अमृतमय दवाई बनने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आज आपने बाहर निकलना ही है और बहुत ज़रूरी काम करने ही है और स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आगे काम भी आपको पॉजिटिव खबर मिले ये करना चाहते हैं तो थोड़े से चावल 5-7 पोटलियाँ बना लीजिए, 100-100 ग्राम की बना लीजिए, बाहर जाते हुए कन्याओं को देते हुए जाइए ताकि आज के दिन आपको एक अच्छी सुकून भरी राहत मिल सके। देखिए गुरुदेव की एक अच्छी बात यही है कि इतने सरल उपाय बताते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू भी कर सकते हैं। क्योंकि लगातार हम कारोबार की बात कर रहे हैं गुरुदेव, तो कारोबार को किसी की बुरी नज़र ना लगे और कारोबार को कोई विरोधी नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए क्या कोई महामंत्र है जो आप बताना चाहेंगे? ये सच बात है, ये दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कंपिटिटर, और कंपिटिशन में आते ही आदमी ये पूरी कोशिश करता है कि इसकी दुकानदारी को कैसे रोका जाए या फेल किया जाए ताकि मेरी चल जाए। और ऐसा आप देखें हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर कोई ना कोई होते ही है, क्योंकि काम भी सेम होता है। लेकिन इस चीज़ की परवाह किए बिना कि कोई आपके कारोबार को रोक रहा है, आपके ऊपर कुछ कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप रेगुलरली अपने कार्यस्थल के ऊपर करते हैं तो आपको ये चिंता बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है, या आपका कंपटीटर आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहा है और आपका कंपटीटर आपसे आगे निकलने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मानसिक त्रास दे रहा है। अगर इसको ठीक करना है बहुत ही मामूली उपाय है, और वो क्या, आप थोड़े से उड़द साबुत के दाने लीजिए और लेकर के अपनी हथेली पे रखिए और आंख बंद करके आप बटुक भैरव जी को कहिए कि बटुक भैरव जी मेरे यहाँ पर जो भी खराब ऊर्जा मेरी दुकान में, मेरे शोरूम में, मेरे संस्थान के ऊपर है इसको आप संभालें और मेरे को आप सद्बुद्धि सद्ज्ञान और साथ में कमाई का आशीर्वाद दें। और उन सुबह दुकान खुलते ही या अपनी फैक्ट्री मकान खुलते ही उसके अंदर वो सारे एक ही हाथ में फैला दे डालें, और उसके बाद झाड़ू पोछा होगा तो वो झाड़ू मार के उनको आप पश्चिम दिशा की तरफ इकट्ठे करके रख दीजिए उस सारी मिट्टी को, ठीक है। पूरा दिन आप अपना काम करिए, आप देखिए आज का दिन बहुत शानदार जाने वाला है। पूरा दिन अपना काम करिए, शाम को कहते हैं झाड़ू नहीं निकालते, लेकिन सुबह रखा हुआ कूड़ा अगर आप शाम को निकालते हैं तो ये शुभ होता है। तो ऐसी अवस्था में वो उड़द के दानों को इकट्ठा करिए और करके उनको एक कागज़ में पैकेट में डालिए और बाहर ले जा कर के उनको फेंक दीजिए, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पक्षी चुप जाए। एक तो ये काम रोज़ करना शुरू करिए, और दूसरा आपने हर सूरत में देसी खांड हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, देसी खांड थोड़ी सी लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके अपने वाश बेसन के अंदर ही उसको बहा दीजिए, ये भी सुबह के वक्त में दुकान पर आने से पहले ही कर लीजिए। ये दो चीज़ यानी कि मंगल का विसर्जन यानी कि देसी खान और शनि की स्थापना यानी कि भैरव जी की स्थापना, भैरव जी ही ग्राहक बन के आते हैं, भैरव जी ही ग्राहकों को लेके आते हैं, भैरव जी ही विपदाओं को हटाते हैं और भैरव जी ही एक डिप्लोमेटिक बुद्धि ऐसी देते हैं कि जिससे अच्छे से अच्छे इंसान को पस्त किया जा सकता है।
तो ये भैरव जी की कृपा उड़द के रूप में जब आपके संस्थान पे रहेगी, किसी की भी बात, किसी की भी चाल आपके खिलाफ नहीं चल पाएगी और आप बड़ी शांति से कमाई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं गुरुदेव ने। गुरुदेव के उपाय को आप ज़रूर आजमा कर देखें। आप देखना कि आपका कारोबार कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या फिर पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल करें 9999052 पर। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के साथ। देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।